कि सरदार जी में आपको ऐसा कौन सा आकर्षण दिख रहा है? देश ने भी पीछा छुड़ा लिया, आपके पीछे लग गए। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं। अब इन्हें तालियों में तब्दील कर, कवि सम्मेलन कैसे सुना जाना चाहिए ये अब तक मुझे लगा नहीं। मंच की भी सहभागिता चाहता हूँ। जयंत जी बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत मन से बैठे हैं। इस नौजवान की तरफ केवल प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। हिंदुस्तान को ऐसे ही नौजवानों की आवश्यकता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हुआ, मेरी भी आवश्यकता है। मैं चार पंक्तियां चौधरी साहब के लिए सबसे पहले पढ़ता हूं और धीरे धीरे मैं हास्य का कवि हूं तो मैं बहुत सारे रंग कविता के आपके बीच लेकर। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं। वो शब्द अगर आप तक पहुंच जाएं तो आप एहसास दिलाइएगा। ये बाबूजी हमारे बैठे हैं, ईश्वर इन्हें शतायु करे, दीर्घायु करे, क्योंकि हर पंक्ति पर वो खड़े होकर दाद दे रहे हैं। बहुत शानदार मन से आप सुन रहे हैं। ये जिंदा दिली, इनके लिए मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। तो बस इन बुजुर्गों की दुआएं सर पर बनी रहें, यही कहना चाहता हूं। चौधरी साहब को याद में रखिएगा, ध्यान में, और मेरी पंक्तियां सुनना। ताल से भी सुन सकते हैं, तनाव में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जो होना था हो चुका, जिनको रोना था वो रो रहे हैं, बाकी लोग शपथ लेने में लगे हुए। कि चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला। ये जो कुर्ता धोती टोपी ये परिधान आजकल नहीं दिखाई देता महानगरों में, तो बिल्कुल भी सबकी ताल हो ऐसा सुने। आप अगर जिंदाबाद से ज्यादा है आप ताली बजाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जयंत जी की जिंदाबादी हो रही है। कि चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला, चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला, उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला। उनके राज में अगर लगे कि कवि सच कह रहा है तो फिर मोबाइल थोड़ी देर छोड़ दे, इसे भी कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला, उनके राज में सदा किसानों सब सब की कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला। धोती कुर्ता टोपी जैसा सादा वेश नहीं मिलता, उनके अंतर मन में हरदम हिंदी हिंदुस्तान मिला, उनके अंतर मन में हरदम हिंदी हिंदुस्तान। नई पीढ़ी को उन जैसी सादगी, उन जैसी ईमानदारी और उन जैसा किसान का और एक आम आदमी के प्रेम का जो भाव है वो सीखने की जरूरत है। आज चौधरी साहब एक पाठशाला की तरह इस विद्यालय का कार्यक्रम है, तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और यहाँ जो वातावरण है वो पूरा का पूरा उनके रंग में रंगा हुआ है। मैं चार पंक्तियां और कहता हूँ, किसान लोग यहाँ बैठे हैं, आशिम भाई ने भी बहुत किसानों पर चार पंक्तियां कहता हूँ जो बिल्कुल ताजा मैं बैठकर मोबाइल पे लिख रहा था। सुनना प्रताप भाई, कि किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है। किसान अपनी ताकत जिस दिन समझ जाएगा, दो पंक्तियां आगे वाली संभालना, कि किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है, खुदकुशी करते समय आंख से जो टपका हो वो एक आंसू भी सरकार बदल सकता है। खुदकुशी करते वक्त आंख से जो टपका हो वो एक आंसू भी सरकार बदल सकता है। तो किसानों के आंसुओं को आसानी से नहीं लेना चाहिए, सरकारों को समझना चाहिए कि जिस देश के किसान की आंखों में आंसू होंगे वो देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता। राजस्थान बदल गया बाबूजी, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान भी बदलेगा, निश्चिंत रहो, सब बदलेगा। मैं तो बनारस गया, कहां झगड़ा हो जाए कहां बवाल कुछ पता नहीं, तो पंडित आपस में लड़ रहे हैं। मैंने एक से पूछा, भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या। आनंद में आप बैठना, मैं थोड़ी देर हंसाता हूं आपको। प्रताप भाई बहुत मजेदार आदमी है,
हंसी के जादूगर आदमी है, लेकिन मैं थोड़ी देर इस व्यस्तता में जयंत जी के चेहरों पे भी मुस्कान लाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जयंत भाई हंसना बहुत जरूरी है, ये नई उम्र के बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे, वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही, जीजा जी को तो रोना ही। नवरात्र का व्रत हर आदमी अपने जुगाड़ में लगा है साथ, हिंदुस्तान तो हर आदमी अपना काम देखना चाहता है। बताया गया यहाँ तो उत्तर प्रदेश का आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले देखता है कि हमारे शहर का नाम तो नहीं बदल गया रात में। आपको मैं बता दूं सच्ची घटना है, मेरे एक मित्र है मिश्रा जी, उन्होंने 2 महीने पहले जैन भाई ट्रेन का कंफर्म टिकट लिया, कंफर्म टिकट आजमगढ़ से इलाहाबाद, वो आजमगढ़ का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयाग हो गया, मिश्रा जी बिना टिकट हो गए, कहां जाए। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है, कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। हर आदमी अपने जुगाड़,